जमीयत उलेमा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी हारून के मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को लेकर आज एक बयान पर सबको हैरानी हुई है। संत पुजारी संघ ने सवाल उठा दिए हैं, आजादी के पहले से मुस्लिम भारत में रहते आए हैं, उन्हें हिजाब पहनने से किसने रोका, इस पर सियासत शुरू हो गई। एमपी में हिजाब को लेकर फिर बहस छिड़ गई। जमीयत उलेमा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून की माने तो हिजाब न पहनने से मुस्लिम लड़कियां पढ़ नहीं पा रही, बिना हिजाब उनके दिमाग पर असर पड़ता है। हारून ने मुस्लिमों से अपील की कि वो अपने स्कूल कॉलेज खोलें ताकि मुस्लिम लड़कियां मजहबी पढ़ाई कर सकें। सबके लिए यक्षा है, से अपील करता है कि वो बच्चियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों का नेटवर्क कायम करने की तहरीक चलाएं। इस बयान के बाद संत पुजारी संघ ने सवाल उठाए और इस पर सियासत भी जमकर गर्मा गई। भारत सरकार को एक कठोर कानून बनाना चाहिए, उसमें ये नियम होना चाहिए, शिक्षा पद्धति में कोई धर्म नहीं चलेगा। हम अपना शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वहाँ पे कट्टरपंथी बन और ये सब चीजें नहीं चलती हैं। दिलचस्प बात ये, मोहम्मद हारून ने ये बयान जमीयत उलेमा हिंद के उसी मंच पर दिया जहां जमीयत के सदर ने भारत को इस्लाम के जन्म की धरती बताया था। तो साहब, उलेमा साहब का कहना आपने सुन लिया कि बिना हिजाब पहने छात्राएं पढ़ ही नहीं सकती, उनका दिमाग ही नहीं चलता। कितना दम है इस बात में, डिकोड करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सेक्युलर देश है, और एक फोर्स इसे सिद्ध करने में लगातार आगे आती कि ये सेक्युलर देश है। उसी देश में अपने देश की बात करते समय हम बाद में कुछ चीजों को डिकोड करें, लेकिन पहले आप ये जरूर जान समझ लें कि शिक्षा और बाकी यूनिफॉर्म कोड को लेकर पहले भी कई बार बहस हुई है। शिया बाउल इस्लामिक देश ईरान में कई महीनों से जो आप पिछला घटनाक्रम देख रहे हैं, वहां हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन इसी समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। दुनिया भर की महिलाएं अपने बाल काटकर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही। महिलाओं का वहां यह तर्क है कि हिजाब उनकी निजता का हनन है, और पूरी दुनिया में इस बात पर बहस जारी है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य है। अब जरा हम अपने देश के ऊपर आते हैं। सीधी बात, हिजाब पहनना एक निजी मामला है। अगर आप घर पर हैं, बाजार में हैं, सार्वजनिक स्थान पर हैं, हिजाब पहनने से कोई रोक नहीं रहा। किसी संस्था में नौकरी या शिक्षा के दौरान वहां के ड्रेस कोड का पालन करना उनके नियमावली में शामिल होता है, जिसे सोच समझकर आप उसे ज्वाइन करते हैं। संस्था किसी को ये विशेष अधिकार नहीं प्रदान कर सकती। उम्मीद करते हैं कि उलेमा अपने बयान पर गौर करेंगे, क्योंकि इससे आगे बनने वाले माहौल के कुछ परिणाम हम पहले भी देख चुके हैं। जब यूनिफॉर्म को छोड़कर कट्टरपंथ को अपनाया गया तो इस पर अदालतों तक मामला गया, लंबा चला, और फैसला वही आया जिसके बारे में आज एक सार्वजनिक समझ दिखती है।